Good morning, class 2 student. I am starting your 11th chapter, going place. Going place. Okay, कहता है कि हमें अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना हो तो हम क्या यूज करते हैं. कहता है कि द डिफरेंट वे टू मूव पीपल्स एंड कैरी गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर आर कॉल्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. तो हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का. अगर हमें सामान या खुद एक जगह से दूसरी जगह जाना हो या ले जाना हो तो हम किसका यूज़ करते हैं, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का. ओके, देर आर थ्री मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. देर आर थ्री मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट एंड एयर ट्रांसपोर्ट. ओके, इट इज अवेलेबल इन एज अ विलेज एज टाउन. ओके, इट इज ऑल्सो चीप मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट. ओके, एंड इट इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. इट इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. ये एक ऐसा ट्रांसपोर्ट है कि अगर आप मतलब बहुत दूर जाना हो तो आप बहुत जल्दी पहुंच सकते हैं. ओके, तो इट इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, इट इज चीप एंड बेस्ट ट्रांसपोर्ट, एंड इट इज अवेलेबल इन एवरीवेयर एज होम एज अ विलेज एज टाउन. ओके, तो आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं लैंड ट्रांसपोर्ट के बारे में. कहता है कि लॉन्ग लॉन्ग एगो देयर वाज अ नो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, पीपल वेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ऑन फुट. बहुत समय की पहले की बात है कि उस समय क्या था, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का कोई साधन ही नहीं था. तो लोग क्या करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पैदल ही जाते थे. कुछ था ही नहीं तो क्या चीज़ से जाएंगे. ठीक है, स्लोली देन बिगन टू यूज एनिमल्स एज अ मीन्स ऑफ ट्रेवल. एज टाइम पास्ट ह्यूमन इन्वेंटेड द व्हील, व्हील्स आर फिक्स्ड टू गेट आर द कैरिज एंड द व्हीकल मेड ट्रैवल इजियर. हाउ एवर दे वेयर स्लो इन द स्पीड. कहते हैं कि पहले के ज़माने में कुछ नहीं था तो लोग पैदल ही एक जगह से दूसरी जगह जाते थे. फिर लोग मतलब एनिमल्स के ऊपर राइड करके जाने लगे, जैसे कि हॉर्स के ऊपर राइड करके लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे. फिर उन्होंने क्या किया, व्हील्स का इन्वेंशन किया. ठीक है, उसके बाद वो उसे मतलब लकड़ी की गाड़ी पे फिट करके फिर एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे. और यही व्हील्स धीरे धीरे मॉडर्नाइजेशन होते होते क्या हो गया, अब काफ़ी चीज़ें बन गई हैं व्हील्स से, कार, मोटर, मोटरसाइकिल, बस. तो इससे हम क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, जो कि हमें जाने में काफ़ी सुविधा भी होती है. लेटर ह्यूमन डेवलप व्हीकल्स विच मूव ऑन व्हील्स एंड रन फास्ट ऑन द रोड और रेल्स. फिर उन्होंने ऐसे व्हील्स का आविष्कार किया जो काफ़ी तेज़ी से चले. ठीक है, पहले जो व्हील्स बनाया गया था वो क्या था, वो धीरे धीरे चलता था रोड पे. लेकिन फिर बाद में जब ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन हुआ तो ऐसे व्हील्स बने जो कि काफ़ी तेज़ी से चलते हैं. अभी आप देखते होंगे नहीं, बाइक्स है चाहे कार है, बहुत तेज़ी से मतलब रन करता है रोड पे. नहीं, कहते हैं व्हीकल दैट मूव ऑन रोड और रेल कॉल्ड मीन्स ऑफ लैंड. तो ऐसे ट्रांसपोर्ट जो मूव करते हैं कहाँ, रोड और रेल पे, वैसे ट्रांसपोर्ट को हम लैंड ट्रांसपोर्ट की कैटेगरी में रखते हैं. किस कैटेगरी में रखते हैं, हम लैंड ट्रांसपोर्ट की कैटेगरी में रखते हैं. जैसे कार, बस, ट्रेन इज ऑल्सो, नहीं ट्रेन इज ऑल्सो, सो आई राइट ट्रेन TRAIN. ओके, देन आफ्टर वाटर ट्रांसपोर्ट. वी यूज वाटर ट्रांसपोर्ट सच एज सीप, बोट, स्टीमर, फेरी, टीसी टू सेल वाटर. वाटर ट्रांसपोर्ट इज चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर गुड्स एंड पैसेंजर ट्रैवलिंग टू फार ऑफ कंट्री. मैंने ये बात आपको पहले ही बताई थी कि जो वाटर ट्रांसपोर्ट है उसमें क्या क्या यूज़ होता है. तो सीप, बोट, इसके अलावा स्टीमर का भी यूज़ होता है. और ये ट्रांसपोर्ट क्या है, चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, बहुत सस्ता, मतलब बहुत कम पैसे में आप एक जगह से दूसरे जगह, यानी कि एक देश से दूसरे जगह जा भी सकते हैं और बहुत सारे सामान को भी लेके जा सकते हैं. एयर ट्रांसपोर्ट, आप कहेंगे कि मैम एयर ट्रांसपोर्ट भी तो ऐसा करता है, लेकिन एयर ट्रांसपोर्ट में हम हैवी लोड को लेके नहीं जा सकते. एयर ट्रांसपोर्ट में बहुत बैन होता है, बहुत सारे रूल रेगुलेशन होते हैं कि आपको इतना ही वेट का लेके जाना है. लेकिन हमारे साथ वाटर ट्रांसपोर्ट में ऐसा नहीं होता, हम काफ़ी हैवी लोड लेकर के भी एक जगह से दूसरे जगह, यानी कि वन कंट्री से अनदर कंट्री जा सकते हैं. ओके, आइए एयर ट्रांसपोर्ट के बारे में जानते हैं. एयर ट्रांसपोर्ट के बारे में तो हम यही कहेंगे कि व्हीकल दैट फ्लाई इन द एयर, वैसा व्हीकल जो कहाँ फ्लाई करता है,
एयर में फ्लाई करता है, तो वो क्या कहलाता है? एयर ट्रांसपोर्ट कहलाता है. क्या कहलाता है? एयर ट्रांसपोर्ट. सच एज हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन्स, नहीं ग्लाइडर. तो ये क्या है कि एयर ट्रांसपोर्ट इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ट्रैवलिंग बाय एयर इज एक्सपेंसिव. लेकिन ये ट्रांसपोर्ट जो है ये फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट तो है ही, और इसके साथ क्या है, ये एक्सपेंसिव भी है, महंगा भी है. ठीक है, जिनके पास पैसे होते हैं वही एयर ट्रांसपोर्ट का यूज़ कर पाते हैं. नहीं तो ज़्यादातर लोग लैंड ट्रांसपोर्ट का यूज़ तो ज़्यादातर लोग ही करते हैं. ओके, तो ये मतलब जनरली लोग लैंड ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं. वाटर ट्रांसपोर्ट का भी यूज़ करते हैं. बहुत जगह ऐसा होता है कि जहाँ हम बोट से ही एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, तो वहाँ लोग मतलब वाटर ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं. तो यही था आपका चैप्टर गोइंग टू प्लेस. हमें कहीं जाना हो तो हम क्या करेंगे? तो हम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का यूज़ करेंगे, हम लैंड ट्रांसपोर्ट का यूज़ करेंगे, नहीं तो वाटर ट्रांसपोर्ट का, और नहीं तो एयर ट्रांसपोर्ट. आपको भी कहीं जाना होता है तो आप भी इसी थ्री मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में से किसी एक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं. नहीं ओके, तो ख़त्म हो गया हमारा ये चैप्टर. अब नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे. थैंक यू.